हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस में स्वागत है। तो अगर ये आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को चाहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो ये जो वीडियो है, एक इन्फॉर्मेशन है कि मेरा जो स्पेशल क्लास है अभी एन अकेडमी पे होने वाला है। आज 10 बजे रात से स्पेशल क्लास है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट करेंगे। इंग्लिश रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर, चारों चैप्टर को हम लोग, चारों सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे उसमें, ठीक है। अब जो दूसरी बात है, जो कि आपको हम बता रहे हैं, इसमें जैसे आप थंबनेल में देखा होगा कि कोरोना से लड़ो, बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है। तो उसमें आप देखिए, जैसे कि हम लोग को सपोर्ट के लिए बजाना था, थाली बजाना था, ताली बजा करके सपोर्ट दिखाना था। देखिए, कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा किया है कि अपने बैलकोनी ही पे रहे हैं, जितने लोग के साथ वो अपना अलग रहे, दिन भर उन्हीं के साथ रहे। लेकिन कई कई जगह आप लोग न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा कि नीचे पूरी सोसाइटी आकर के एक साथ ये कर रही थी, ठीक है, या फिर एक साथ पूरे मोहल्ले के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के इस तरीके से कर रहे थे, और कई जगह तो फायरवर्क्स भी हो रहे थे, ठीक है। तो अपने आपको ख्याल रखिए, ठीक है। वायरस ट्रांसमिशन हो रहा है, एक दूसरे से मिलने पे फैल रहा है, तो जितने लोग आप लोग अलग थलग थोड़ा दिन रहिए। हमारी भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं है कि थोड़ा अलग थलग रहा जाए, हम लोग का मिलजुल करके रहने का चलता ही ऐसे ही चलता आया है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए खुद को अलग रखिए, ठीक है। अपने आप को घर में ही रखिए, कुछ ज़रूरत हो तभी आप बाहर जाइए। बैंक की जहाँ तक बात करें, तो बैंक में सिर्फ अब कैश डिपॉजिट होगा, कैश निकलेगा, चेक के आपको डिपॉजिट नहीं होगा, और आपको चौथा जो गवर्नमेंट काम सब है वही सब होगा, और इसके अलावा कुछ भी काम नहीं होगा। जैसे पासबुक प्रिंटिंग हो गया, न्यू अकाउंट खोलना हो गया, KYC हो गया, ये सब कोई भी काम अब बैंक में नहीं होगा 31 मार्च तक, ठीक है। या फिर अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप इस चैनल के प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। जो जो एग्जाम कैंसिल हुए हैं उसके बारे में भी हम बता दिया था। SSC CHSL भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। RBI असिस्टेंट भी कैंसिल हो गया है। LIC असिस्टेंट इंजीनियर का जो आया था वो भी कैंसिल हो गया है। तो अभी अब से एक एग्जाम है SBI क्लर्क मेंस 29 अप्रैल को है। अब इसका प्री का रिजल्ट भी नहीं आया है, अब देखिए उसके बारे में क्या होता है। अभी तो ये बहुत अर्ली हो जाएगा उसके बारे में कुछ कहना, उसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि क्या हुआ है। UPSC का इंटरव्यू भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। इतनी सारी एग्जाम्स कैंसिल हो गई हैं। अभी जो है अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए। अभी जो है अब अपने घर पे हैं, तभी आपके पास बहुत गोल्डन पीरियड है। अगर आप जॉब भी करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर घर पे ही तैयारी कर रहे हैं, तो अभी अगर आपके पास बहुत गोल्डन पीरियड है। एक गोल्डन पीरियड हम किस तरह से बोल रहे हैं, ये पीरियड ना आप जिस सब्जेक्ट में वीक हैं, जिस जगह आपको बनाने में दिक्कत होती है क्वेश्चन, जहां से जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, उस पर अभी आप काम करके, मेहनत करके अपना वो पॉइंट ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सब जगह बंद है, आपको अगर ऑफिस जाते हैं तो अभी ऑफिस भी बंद चल रहा है, या फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी आप कंफर्ट जोन में अपने आप को ही रखा जा रहा है कि अपने घर पे रहिए, अपने कंफर्ट जोन में रहिए, वहीं से काम कीजिए, ठीक है। और कितनी जगह ऐसी है कि जहां पे बंद भी हो गया है, और ये जगह आपको ऑनलाइन एजुकेशन में आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल गया है कि आपको वहां से चीजें प्रोवाइड हो जा रही हैं। अपकमिंग मेंस के लिए भी आपको लेक्चर प्रोवाइड हो जा रहा है। आज मेरा 4th लाइव सेशन है, 3 लाइव सेशन हो चुके हैं, 4th लाइव सेशन है आज, तो वहां से भी आपको प्रोवाइड हो जा रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वहां से भी आप ऑनलाइन जो तैयारी हो रही है ऑनलाइन कीजिए, अपना जो वीक एरिया है। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, UPSC कर रहे हैं, SSC कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरे जॉब की कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छा पीरियड है कि अपने ऊपर ख्याल रखिए। थोड़ा सा टेंशन होता ही है कि इतना अब बीमारी फैल रही है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो थोड़ा सा टेंशन होता ही है। लेकिन अब क्या करना है, इसमें ही अब आपको अपने आप पर तैयारी भी करनी है, क्योंकि डायरेक्ट फिर जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम कैंसिल हुआ है, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी आपके एग्जाम का डेट आ जाएगा, और फिर बहुत कम टाइम बच जाएगा एग्जाम की तैयारी के लिए, फिर पैनिक होने लगेगा बहुत सारे स्टूडेंट। अभी जो तैयारी करता रहेगा उसका हाई चांसेस रहेगा सिलेक्शन का, तो अभी तैयारी कीजिए। मेंस के आप ये दीजिए, मेंस के मॉक दीजिए, उसका पूरा अच्छे से एनालिसिस कीजिए, प्री के मॉक्स दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। मेरा फ्री लेक्चर्स अपलोड हो रहा है अन अकेडमी पर, उसको देखिए। लाइव लर्नर्स आइए, लाइव क्लास सेशन में ये 10 बजे से 11 बजे तक मेरा क्लास रह रहा है, अल्टरनेट एक दिन बीच करके क्लास हो रहा है। अभी इस यूट्यूब चैनल पे भी हम आपको वीडियो सब देंगे कि कैसे लाइव क्लासेस हो रहे हैं, और कुछ कंटेंट हम शेयर करेंगे कि लाइव क्लास का कितना अच्छा लेवल रह रहा है, और काफ़ी स्टूडेंट आ रहे हैं लाइव क्लास में। आप भी आइए लाइव क्लास में, और लाइव क्लास में जुड़िए हमारे साथ, और इस वायरस को थोड़ा सा मैच्योर वे में टैकल कीजिए, ठीक है। काफ़ी जगह आप देख रहे हैं कि कितने जगह यहाँ पे कितना ये डेंजरस रूप ले चुका है। इटली ही देख लीजिए कितना, अभी एक दिन में 800 लोगों का डेथ का रिपोर्ट आया वहाँ से, ठीक है। और ये सब बहुत डेवलप कंट्री है, ठीक है। वहाँ से अगर आपको ऐसी रिपोर्ट आ रही है, तो आप अपना भी अपने थोड़ा सा ख्याल रखिए अपना, क्योंकि अभी इंडिया में इनिशियल ही स्टेज पे है, इसको रोकने की प्रयास किया जा रहा है, तो रोकने में अपना सहायता दीजिए। बगैर जरूरी काम के घर से बाहर मत निकलिए, अपना घर पे ही रहिए, पढ़िए,
बोर हो रहे हैं। एक स्टूडेंट्स का मैसेज बहुत सर्कुलेट हो रहा है, बोर होएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। अरे नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम अपनी ही ये खराब कर रहे हो, अपना ही फ्यूचर खराब कर रहे हो। बोर हो लेकिन पढ़ो, ये पढ़ना ही काम आएगा। ये बोर होकर के सिर्फ मीम शेयर कर देना या फिर ग्रुप चैट कर लेना या फिर दोस्तों से बात कर लेना, ये सब काम नहीं आएगा। ठीक है, अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी पढ़ने पे अपना फोकस डाल दो अच्छे से। अब हम आपको भी करंट अफेयर, इंग्लिश रीजनिंग, क्वांट, सब चीज़ का तैयारी करा ही दे रहे हैं अकेडमी पर। इस वीडियो को शेयर कर देना सब दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी हो जाए कि हाँ सपोर्ट दिखाइए, सबको सपोर्ट दिखाइए। आज पहली बार हुआ जनता कर्फ्यू, ठीक है, सिचुएशन सही रहेगी तो अब आगे नहीं होगा, लेकिन रेलवेज वगैरह भी तो सब चीज़ बंद हो गई है। अगर कभी आगे कुछ ऐसा आता है कि आपको इतने बजे आकर के ताली बजा करके या फिर बर्तन पीट करके सपोर्ट दिखाना है, तो अलग रह करके सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, ये नहीं कि पूरी सोसाइटी एक साथ आ जाए और फिर वहां पे एक दूसरे से फिर बीमारी फैल जाए पूरी सोसाइटी में। आपको पता नहीं है कि आपके सोसाइटी में जितने सारे लोग हैं वो कहां से आ रहे हैं, किससे मिलकर के आ रहे हैं, कौन उनका बाहर है। ठीक है, इस जगह से अपना सबको आपको हिस्ट्री नहीं ना पता है कि कौन कहाँ से है, किससे मिलकर का है, पूरा दिन कहाँ था, वो इन्फेक्टेड है या फिर नहीं इन्फेक्टेड है। ठीक है, उसका आप क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। इस तरीके से आप इतना लाइटली नहीं लीजिए इस बीमारी को कि एकदम सबको इकट्ठा हो जाइए, एक जगह हो जाइए। थोड़ा सा सेल्फ आइसोलेट कीजिए अपने आप को, अपने आप को अलग थलग रखिए और इस बीमारी से लड़िए। ठीक है, जहां तक तैयारी की बात है, तैयारी तो आपकी चली रही है ऑनलाइन। काफी सारा इंस्टीट्यूट है जो कि ऑनलाइन अभी आपको प्रोवाइड कर रहा है, अनअकैडमी प्रोवाइड हो रही है, बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं से भी पढ़िए, बस तैयारी अपनी अच्छी रखिए। ठीक है, अनअकैडमी पे तो काफी अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है, अभी बहुत सारे लाइव लेसन हो रहे हैं। ओके, आप मेरे से वहां भी जुड़ सकते हैं। आज 10 बजे रात से 11 बजे रात तक मेरी स्पेशल क्लास है, उस स्पेशल क्लास का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से आप उसको इनरोल कर लीजिएगा। ओके, तो लिमिटेड सीट होती है। हाँ, एक बात बता दें कि लिमिटेड सीट्स होती हैं। ठीक है, तो आप वहां से इनरोल कर लीजिए लेसन्स में, ताकि आपको जैसे ही 10 बजे का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वहां से आप मेरी स्पेशल क्लास को आज देख सकते हैं। इससे पहले 3 स्पेशल क्लास हो चुकी है, एक नंबर सीरीज की हुई है जिसमें हम लोग न्यू पैटर्न नंबर सीरीज किया था, रॉन्ग नंबर सीरीज किया था और मिसिंग नंबर सीरीज किया था। उसके बाद पजल की हुई थी, एक पूरा सेशन ही हम लोग पजल पर डिसाइन किया था जो कि मिली और मीन्स मिक्स पजल थी। उसके बाद पर कल रीजनिंग की क्लास थी जो कि इसमें न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग थी, पजल थी और ओनली फ्यू सिलॉक्स था। आज जो हम लोग लेसन कर रहे हैं उसमें हम लोग इंग्लिश रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स, चारों चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं मेरे साथ अन अकेडमी पर, तो अन अकेडमी पर मेरे साथ जुड़ जाइए, कोनैन पाशा, KAUNAINPASHA, कोनैन पाशा, इसको सर्च कर लीजिए आप अन अकेडमी पर। ठीक है, अन अकेडमी पर जाकर के मेरे लाइव लेसन आप देख सकते हैं, आज 4th लाइव लेसन है और वहां से आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, अगर शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। अच्छा, अनअकैडमी पे काफी सारे ऑफलाइन वीडियोस भी मेरे अवेलेबल हैं, करीब करीब 350 से ऊपर ऑफलाइन वीडियोस अवेलेबल होंगे अनअकैडमी पे। अगर चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, क्रैश कोर्स ऑन रीजनिंग, क्रैश कोर्स ऑन इंग्लिश, क्रैश कोर्स ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंप्लीफिकेशन का कोर्स है, ओनली फ्यू सिलॉक्स का कोर्स है। ओके, ये सब कोर्स मेरे फ्री कोर्सेज हैं और अनअकैडमी पर हैं, और इस यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। इससे पहले हम आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का RBI सेशन मेंस के लिए एक लेक्चर दिया था, उससे पहले हम रीजनिंग का आपको दिया था, पजल के लिए एक पजल अभी और बहुत अच्छी पजल है जो हम अपने लाइव क्लास में डिस्कस किया था, उसको हम सोच रहे हैं कि इस अकेडमी पे जो लाइव क्लास में डिस्कस किया है वहां एक पजल आपको यहां हम दिखा दें कि किस तरह का क्लास पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पजल की। ठीक है, आपको जो हम क्वालिटी फ्री में मिल रही है, आपको अच्छे अच्छे पेड लेक्चर्स भी उस क्वालिटी में नहीं दे पाते हैं जिस क्वालिटी में भी हम आपको फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं, और फ्री मेरे स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर। ठीक है, 1 घंटे की क्लास रह रही है, 1 घंटे का ही शेड्यूल लेकर के चल रहे हैं हम 10 बजे से 11 बजे तक। अगर जैसे जैसे फिर एग्जाम नजदीक आएगा तो हम इस शेड्यूल को बढ़ा करके 2 घंटे का शेड्यूल लाइव सेशन कर देंगे, जैसे कि आपको 10 बजे से या फिर 9 बजे से 11 बजे तक या फिर 10 बजे से 12 बजे तक। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां हम आपको दे देंगे लिंक कि कैसे आपको वहां पोल कंडक्ट करा देंगे कि 9 से 11 चाहिए या फिर 10 से 12 चाहिए। ठीक है, जिस टाइम हम 2 घंटे का लाइव सेशन लेने का सोचेंगे तो वहां हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पोल कंडक्ट करा देंगे, वहां आपको कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको क्या करना है, वहां से आप पूछ भी सकते हैं। हम एक वीडियो अपलोड भी किया था कि 30 out of 30 इंग्लिश में कैसे लाएं, जैसे हमको आया था प्रीलिम्स 30 out of 30 और मेंस में भी बहुत अच्छा नंबर आ ही जाता है। ठीक है, करीब करीब आपको इंग्लिश में सोचना नहीं पड़ता है कि इंग्लिश के कट ऑफ कैसे निकलेंगे, इंग्लिश में 6 नंबर आ जाता है, तो कैसे आएगा क्या आएगा उसका हम पूरा आपको सेशन एक पूरा वीडियो में शेयर किया है कि इंग्लिश में कैसे नंबर लाते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में दिक्कत है तो वो वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी पे एडुकेटर बनना है तो एडुकेटर बनने के लिए आपको मेरी लाइव आपको इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा,
चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें है अन अकेडमी पर कैसे पढ़ाई करके है वीडियो, उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें अन अकेडमी से रिलेटेड है, आपको कैसे पढ़ाते हैं, अन अकेडमी पे आपको कितने पैसे कमा सकते हैं, इस तरह के आप वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। ओके तो यहीं से वाइंड अप करते हैं वीडियोस को, अब इसको हम लोग फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, हम लोग इसको अब ओवर कर रहे हैं वीडियो को। ओके अब अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और लाइव क्लास में आना है तो इनरोल कर लो अपना सीट और वहां से फिर लाइव क्लास में आ जाना 10 बजे। ओके फिर मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में आज रात 10 बजे। ओके हम देखते हैं, अगर पहले ही रहा तो हम पहले ही आपको एक वो पजल का वीडियो जो है हम अभी पहले ही लाइव क्लास से पहले ही आपको यहाँ शेयर कर देंगे, अगर देखते हैं अगर सीन हुआ हो तो हम शेयर कर देंगे, नहीं तो एक आज या फिर कल तो उसको शेयर करना ही है, एक बार सोच लिया है कि वो अच्छा पजल है आपके साथ शेयर करना है तो उसको शेयर करके रहेंगे। ठीक है तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ख्याल रखो अपना, ठीक है, घर वालों का भी सबका ख्याल रखो, बगैर जरूरी काम के कोई जरूरी काम रहे तभी बाहर जाओ, नहीं तो फिर घर पे रहो आराम से पढ़ो, बोर हो तब भी पढ़ो, ये बोर होके जो अभी पढ़ोगे ना उससे आगे आके फ्यूचर में बहुत काम देगा। ठीक है चलो हम लोग अब इस वीडियो को बंद करते हैं, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अच्छा एक बात और, कोई पूछ रहा था कि SBI क्लर्क कैंसिल होगा कि नहीं होगा, SBI क्लर्क में 19 अप्रैल को कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती है तब तक वो विश्वास नहीं करना है कि चलो कैंसिल हो गया आराम से अभी नहीं पढ़ना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगी तब तक वैसी तैयारी चलेगी, तब तक जैसे कि 19 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन है। ओके चलो अब वीडियो को ओवर करते हैं। ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, कोई क्यूरी हो तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके बाय।